चाय के साथ कुछ स्पेशल प्लान कर रही हूँ। मेरे पास बनाना रखे हुए हैं, तो आज मैं बनाना ब्रेड बनाने जा रही हूँ। बनाना ब्रेड जितना देखने में टेम्पटिंग है, उससे उसका जो स्वाद है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता पोरवाल, आज मैं आप सभी के लिए बनाना वॉलनट ब्रेड बनाने जा रही हूँ। आइए बनाते हैं। बनाना ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बनाना, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, 100 ग्राम मैदा, 3 ग्राम बेकिंग सोडा, 2 ग्राम कोको पाउडर, 50 ग्राम ऑयल, 40 ग्राम दही, 1 से 1.5 बनाना को मैश करना है। बनाना अच्छे तरीके से मैश हो चुका है, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसको विस्क की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शुगर अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो चुकी है, अब हम इसमें एक एग डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा एग अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं आपस में। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बनाना वाले मिक्सचर में ऐड कर लेते हैं। और इसको स्लोली स्लोली मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कर्ड ऐड कर देते हैं।
और लास्ट में ऑयल ऐड कर देते हैं। अब हमारा ऑयल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी से वॉलनट और चोको चिप्स ऐड करेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम इसको बेकिंग मोल्ड में डाल देते हैं। अब हम इस मोल्ड को 180 डिग्री पर 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बनाना ब्रेड काफी अच्छे से तैयार है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप लोग, हमारी स्टिक बहुत ही अच्छे से साफ है। हम मोल्ड को बाहर निकाल लेते हैं, इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी बनाना ब्रेड तैयार है। अब हम इसको 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अमेजिंग, हमारी बनाना ब्रेड तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। चलिए इसको चाय के साथ एंजॉय करते हैं। इसकी डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्वेता पोरवाल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।